बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी केस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात खरगोन की, निलंबित एएसआई की मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एएसआई की पत्नी का रिश्तेदार पर आरोप है। एएसआई की भाई, भाभी, मां और भतीजे पर आरोप लगाया गया है पत्नी के द्वारा। संपत्ति विवाद में जहर पिलाने का आरोप है। वित्तीय गड़बड़ी मामले में निलंबित थे दिग्विजय सिंह चौहान। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। घर वालों के मतलब दो तीन बार हम गए थे, उनसे विनती करी थी कि हमको हमारे मतलब बंटवारा करवा दो, तो वो मना कर गए, हम नहीं देंगे बोले। तो फिर कल बोला था कि अभी हमको 22 लाख जमा कर दिए थे हमने, थोड़ी 5 लाख की व्यवस्था और करनी थी। तो उनको यही बोला कि जो भी मिलेगा तो हम उसको बेच के 5 लाख दे देंगे, तो ये मना कर गए और लड़ाई करने लग गए और सभी ने मिल के उनसे छिना झपटी करके मारपीट की और उनको उनको पाइजन पिला दिया। उन्होंने जहरीला कोई पदार्थ सेवन किया हुआ था। इस संबंध में इनको CHC सेगांव लाया गया और डायल 100 के माध्यम से उनका इलाज कराया गया। वहां से इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन रेफर किया गया। यहां पे इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनके साथ में इनकी पत्नी भी इलाज के दौरान रही है और इस संबंध में मार्ग कायम कर लिया गया है और पूर्व में भी बयान रिकॉर्ड किए गए थे। इस मामले में भी जांच जारी है। जानकारी के लिए सहयोगी आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, एएसआई की मौत, कई गंभीर आरोप रिश्तेदारों पर पत्नी लगा रही है, क्या कुछ जांच में सामने आ पाया है? ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, धार बटालियन में ये एएसआई है, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय चौहान नाम है इसका। खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के सेगांव पुलिस चौकी है, वहां का डेकू गांव का रहने वाला था और उसने कीटनाशक जहरीला पदार्थ पिया, उसके चलते हुए उसका जिला उपता अस्पताल में उपचार चल रहा था, उसकी मौत हुई है। इस मामले में उसकी पत्नी जो है, पत्नी ने छाया चौहान है जिसने आज गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि वो उसका पति वित्तीय अनियमितता के चलते हुए बर्खास्त था और उसको पैसे जमा करा रहा था, 22 लाख रुपए जमा करा चुका था, 5 लाख और जमा कराना था, इसको चलते हुए माँ और भाई से संपत्ति का बंटवारे को लेकर वहां पहुंचा था और वो इस दौरान माँ और जो भाई है और भतीजा है जेठानी, उन पे आरोप लगाया हमने कि उनने जहर पिला दिया। हालांकि इस मामले में जो SP है धर्मराज मीना, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका सीधा और साफ कहना है कि अभी पुलिस जांच कर रही है, पर प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ रही है कि जो ASI है वो खुद जहरीला पदार्थ पी के सेवन करके उसके बाद वो अपने परिजनों से मिलने पहुंचा था। अब पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। धर्मराज मीना ने कहा कि हर एंगल से इस पूरे मामले की रितु जांच हो रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आशुतोष। उज्जैन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 12 घंटे में अंदर सुलझाई हत्या की गुत्थी। दरअसल बैंक कर्मी की हत्या की यह गुत्थी सुलझाई गई। पैसों के लेन देन में हत्या हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 23 मई को मर्डर हुआ था और उसके बाद से ही पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। अब पूरी गुत्थी जो है हत्या की सुलझा दी गई। हरदा में गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। पुलिया से नीचे जा गिरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली। 45 क्विंटल गेहूं कोलार नदी में गिरा है। किसानों को नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप हरदा की देख रहे हैं जहां पर कोलाब नदी में गिरा ये पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गेहूं से भरी हुई थी, बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। गेहूं से भरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली थी और अचानक से नदी में जा गिरी, कोलाब नदी में। 45 क्विंटल गेहूं इसमें बताया जा रहा है। सागर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सरकारी गेहूं को गीला करने के मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर पर मामला दर्ज किया गया है। गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए पानी डाला गया था।
सरकारी वेयर हाउस का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद अब कार्रवाई देखने को मिली है। प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया था और उसके बाद गाज भी गिरी है कुछ अधिकारियों पर, दो लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है। सरकारी वेयर हाउस का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद ये संज्ञान लिया गया है। सागर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पानी मिलाने का परसोरिया वेयर हाउस, तो इसका श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा संज्ञान में लेकर उसको फुड इंस्पेक्टर पांडे जी को इसको नियुक्त किया था, इसकी जांच को, जिसमें उन्हें पाया कि समिति प्रबंधक हेमंत तिवारी एवं मिश्रा, इनके द्वारा दीपक मिश्रा के द्वारा ये कृत किया गया है। उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट में दिया और FIR कराने के लिए थाने आए, जिनके जांच रिपोर्ट आवेदन पत्र से अपराध धारा 409, 272, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना। टीकमगढ़ की बात करेंगे, रेप का आरोपी थाने में से फरार हो गया। खरगापुर थाने से फरार हुआ ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने से भाग निकला। आरोपी मूरत यादव की तलाशी में पुलिस जुटी हुई है। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी लाइन अटैच भी किए गए हैं। रायसेन में पुलिस और आबकारी विभाग पर दबाव बनाने के लिए एक शराब ठेकेदार के गुर्गे की रची साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। गुर्गे ने अपने ही 5 कर्मचारियों को जहरीली शराब पीने की नौटंकी करवाई और कर्मचारियों ने बेहोश होने का नाटक किया। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल के डॉक्टर भी इन फर्जी मरीजों को देखकर हैरान रह गए। आखिरकार जब पुलिस ने इस ने सख्ती से पूछताछ की, तब मामले का खुलासा हुआ। ठेकेदार के कर्मचारी ने ही इनकी सारी पोल खोल दी। कैंप के नीचे, वहाँ पे ब्रिज के नीचे 5 लोग थे, जो कि बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल आए गए थे। इनका प्राथमिकता के उपचार के दौरान पता चला है कि ये शराब के काफ़ी नशे में थी और काफ़ी बेहोशी की हालत में भी हैं अभी तो, और अभी प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको रायसेन रेफर कर दिया गया। मैंने भी उसके बाद फिर हमसे ये बोला तो बोलना है ना ब्रिज के नीचे वहाँ जाके बेहोशी का नाटक करो, लेट जाओ। किसने बोला? वो भैया कंपनी वाले बंदे बोला था। एक का तो वीरेंद्र भैया है और एक का नहीं पता, मेरे को वीरेंद्र भैया को जानता हूँ। क्या करते हैं? कुछ नहीं, दबिश करते दारू पकड़ते कच्चे, बस हमसे इतना बोला। वहाँ पर हम जाकर बेहोशी आया हुआ है, उसके बाद हम एक भैया आयुष भैया नाम से खरगोन में हथियारबंद डकैतों ने घर में डकैती की। मां बेटी को हथियार की नोक पर यहां पर लूट की। सोने चांदी के आभूषण समेत 70,000 कैश लेकर फरार हो गए। हथियार के नाम पर 9,00,000 रुपए की लूट की गई। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए डकैत। मेनगांव थाना क्षेत्र के धामखेड़ा कॉलोनी की घटना। मिली है, वहाँ पर टीम रवाना की है मौके पर। फरियादी से हम लोग पहुँच करके बात कर रहे हैं और जैसा भी जो भी घटनाक्रम होगा उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 2 बजे चोर आए, 8 से 10 लोग थे वो हमारे पास आए और ऐसे चाकू निकाल लिया। मम्मी के ऊपर बंदूक रख, मेरे ऊपर बंदूक रखने के बाद उसने बोला कान के निकाल के दे तेरे, नहीं तो तेरे को मार डालूँ, तेरे बेटे को मार डालूंगा। तो मैंने दे दिए निकाल के कान के। ATM पासबुक थी वहाँ की बड़ौदा बैंक की और 70,000 रुपये नगद रखे थे मैंने, उसमें ATM भी रखा था, वो भी निकाल के ले गए। और जिसके बाद सब निकालने के बाद आया और बैठ गया, बोले कि आप आवाज़ करा तेरी बेटी को मार डालूंगा बोले। सर मेरे 9 से 9:30 लग तक की चोरी गई।